जय जिनेंद्र। बच्चे हों बड़े हों, आजकल सभी को मोमोज बहुत पसंद है, पर मार्केट के मोमोज बहुत अनहेल्दी होते हैं। तो मैं आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मार्केट जैसे टेस्टी होते हैं और होते बहुत हेल्दी हैं। इसके लिए हमने पानी को गर्म करा, उसमें हमने पत्ता गोभी के साइड के बड़े बड़े पत्ते को 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डालकर उबाल लेंगे ताकि पत्ते हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब हमारी स्टफिंग के लिए हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, गाजर, प्याज, ब्रोकली, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी लिए। एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। इसमें हम अदरक और लहसुन डालकर 2 मिनट के लिए सोटे करेंगे। इसके बाद हम इसे प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 2 मिनट के लिए सोटे करने के बाद वन बाय वन हम सारी सब्जियां इसमें मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर ही हमें वन बाय वन सारी सब्जियों को कुक करना है। आप सबको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि न्यू रेसिपीज़ मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर सकूँ। ये मोमोज बहुत क्रिस्पी और हेल्दी हैं। इनको आप और हेल्दी बना सकते हैं। इसमें आप पनीर, हरे प्याज, फूल गोभी, मशरूम, जो आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम सब्जी, वो आप मिक्स करके इनकी स्टफिंग बना सकते हैं। आप सबको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि किसने इस तरह से मोमोज बनाया और किसको ये रेसिपी पसंद नहीं आई, मेरी रेसिपी में क्या कमी रही गई, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं मेरी रेसिपीज़ को और सुधार कर सकूँ। इस तरह से हमने सारी स्टफिंग सारी सब्जियों को कुक कर लिया। अब हम इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटो केचप, सोया सॉस और विनेगर मिक्स करके 2 मिनट के लिए हल्का सा सोटे करने के बाद हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम मोमोज बनाएंगे। हमने पत्ता गोभी की लीफ ली है, उसकी जो हम साइड से मोटी कवरे वो पत्ता गोभी कड़क होती है उसको हम निकाल देंगे। स्टफिंग के लिए हमने इस तरह से पत्ती में स्टफिंग रखकर इस तरह से हमने रोल करके सारे मोमोज बना लिए। एक पैन में हमने ऑयल डालकर इसमें हमने दोनों साइड से इनको क्रिस्पी होने तक कुक कर लिए। अब हम बनाएंगे इसके साथ खट्टी मीठी तीखी मोमोज चटनी। इसके लिए हमने गर्म पानी में टमाटर, सूखी लाल मिर्च और लहसुन डालकर इनको सबको अच्छा कुक कर लिया। अब हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए हमने जो कुक करे टमाटर, लहसुन और लाल मिर्च, अदरक, प्याज, धनिए के डंठल और थोड़ी सी पत्ता गोभी लिए। इन सबको हमने पीस लिया। अब हमने एक पैन में ऑयल लेकर मिक्सचर को डाल दिया और मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम नमक और शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने से चटनी में हर फ्लेवर अपना एक अलग टेस्ट देता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली है ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आ सके चटनी का, बिल्कुल मार्केट जैसी मोमोज चटनी लगे। और ये देखिए हमारी मोमोज और चटनी कितने अच्छे हैं, टेस्टी हैं।